अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इस वीडियो में स्टूडेंट्स कन्वर्जन देखेंगे टेम्परेचर की एक स्केल से दूसरे स्केल में। तो इसमें बेसिकली मेन दो कन्वर्जन हैं, एक सेल्सियस केल्विन, दूसरी फारेनहाइट सेल्सियस। मेन दो कन्वर्जन हैं, यानी एक सेल्सियस केल्विन, एक सेल्सियस फारेनहाइट, दो कन्वर्जन हैं। चार बन जाती हैं, सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू सेल्सियस दो हो गई, सेल्सियस टू फारेनहाइट, फारेनहाइट टू सेल्सियस फिर दो हो गई। मेन चार हैं, मेन दो हैं और चार बन जाएंगी। सबसे पहली कन्वर्जन शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इन चारों कन्वर्जन में से चार शॉर्ट क्वेश्चन अलग अलग से बन सकते हैं और हर एग्जांपल भी साथ आती है। तो क्या है पहली कन्वर्जन कि सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में हमने कैसे जाना है, ये फार्मूला है, इसको याद रख ले। यानी सेल्सियस स्केल से केल्विन में जाना हो तो 273 ऐड करते हैं, ऐसे याद रख लें। केल्विन इज़ इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। अगर हमें टेम्परेचर सेल्सियस में दिया होगा उसके साथ 273 हम ऐड कर लेंगे तो कौन सा स्केल आ जाएगा, केल्विन स्केल आ जाएगा। जैसे समझने के लिए इस कन्वर्जन को एग्जांपल है, छोटी सी, ये एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर हमें गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स केल्विन स्केल में। सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर दिया हुआ है, केल्विन में हमने बदलना है। सेल्सियस में है 20 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलने के लिए ये फार्मूला, क्योंकि सेल्सियस टू केल्विन में जाना हो तो ये फार्मूला लगाना है, याद रख लें इस फार्मूला को, 273 प्लस सी। सी कितना है 20, 20 पुट किया, यानी 20 के साथ 273 ऐड कर दिया तो हम किस स्केल में चले गए हैं, केल्विन स्केल में चले गए हैं। तो ये एग्जांपल थी, ये पहली कन्वर्जन थी हमारी। दूसरी कन्वर्जन आएगी केल्विन टू सेल्सियस, वो फार्मूला इसी से बन जाएगा। ये प्लस 273 है, इधर जाकर माइनस 273 हो जाएगा, तो दूसरा फार्मूला बन जाएगा सेकंड कन्वर्जन का। ले जी, दूसरी कन्वर्जन है केल्विन टू सेल्सियस, वही प्लस 273 था ये वाला, उधर ये फार्मूला था टी के इज़ इक्वल टू 273 प्लस सी, तो सी इधर ही रह गया, प्लस 273 उधर जाकर माइनस 273 बन गया। ये दूसरा फार्मूला है दूसरी कन्वर्जन का, याद रख ले इसको भी अलग से और उसको अलग से। उसमें प्लस 273 है, इसमें माइनस है। एग्जांपल आइए इसमें फिर, टेम्परेचर हमें गिवन है केल्विन में 300 केल्विन, इसको हमने बदलना है सेल्सियस में। टेम्परेचर गिवन था केल्विन में 300, सेल्सियस में बदलना है, यही फार्मूला लगाया। केल्विन में इतना गिवन है, माइनस किया तो आंसर आया 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम केल्विन से सेल्सियस में चले गए, ये दूसरी कन्वर्जन थी। इसके बाद थर्ड कन्वर्जन है सेल्सियस टू फारेनहाइट, और चौथी आएगी फारेनहाइट टू सेल्सियस। इसका फार्मूला स्टूडेंट्स याद रख लें, फारेनहाइट टू सेल्सियस टू फारेनहाइट जाना हो तो क्या करना है, सेल्सियस में जो टेम्परेचर होगा उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करवाना है और फिर 32 ऐड कर देना है। क्या है, सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर गिवन होगा उसको पहले 1.8 से मल्टीप्लाई करवाना है, 1.8 कह लें या 9/5 कह लें, पहले इसे मल्टीप्लाई करवाना है सेल्सियस वाले टेम्परेचर को, फिर 273 ऐड कर देना है, हम फारेनहाइट स्केल में चले जाएंगे। ये फार्मूला याद रख लें, F इज़ इक्वल टू 1.8C प्लस 32। ये फार्मूला स्टूडेंट्स जो ऊपर भी गए हैं केल्विन वाले, ये फारेनहाइट वाले, ये 9th केमिस्ट्री में भी हैं, चैप्टर 5 में चार्ल्स लॉ है, उससे ऊपर ये फार्मूलाज हैं, उधर भी ये लिखे हुए हैं। तो ये फार्मूला याद रख लें सबसे पहले कि सेल्सियस टू फारेनहाइट स्केल में जाना हो ये फार्मूला यूज़ करना है, इसी से ये एग्जाम्पल बेस कर रही है। टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है, इसको फारेनहाइट स्केल में बदलना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेल्सियस में 50 गिवन है, 50 को पहले 1.8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसमें 32 ऐड कर देंगे तो हम किस स्केल में चले जाएंगे, फारेनहाइट स्केल में, 122 डिग्री फारेनहाइट। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो ये कि ऊपर हमने पढ़ा था 300 केल्विन,
और 50 डिग्री सेल्सियस है, और अब आया है एफ इज़ इक्वल टू 122 डिग्री फारेनहाइट। सेल्सियस में भी डिग्री आता है, फारेनहाइट में भी डिग्री आता है, लेकिन केल्विन में ओनली केल्विन होता है, ये भी याद रख लें। लें जी, ये फोर्थ कन्वर्जन है आज के लेक्चर की, आखिरी कन्वर्जन फारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल। इसका फार्मूला क्या है? ये फार्मूला लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू ये फार्मूला है सेल्सियस इज इक्वल टू एफ माइनस 32 ओवर 1.8। तो ये फार्मूला कहाँ से आया है? जो प्रीवियस कन्वर्जन की है उधर से ये फार्मूला आया हुआ है। एफ इज इक्वल टू 1.8 सी प्लस 32, प्लस 32 था उधर जाकर माइनस 32 हो गया, 1.8 मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड हो गया, तो इसी से ये फार्मूला बना हुआ है। इस फार्मूला को यूज़ करके हम फारेनहाइट स्केल से सेल्सियस स्केल में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चौथी एग्जांपल है और चौथी ही स्टूडेंट्स कन्वर्जन है। टेम्परेचर 100 डिग्री फारेनहाइट गिवन है, इसको सेल्सियस स्केल में बदलना है, तो फार्मूला यही वाला यूज़ किया, 1.8 सी इज़ इक्वल टू एफ माइनस 32। एफ गिवन है हमें 100, पुट किया 100 से 32 निकाले 68, 1.8 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड, तो टेम्परेचर कितना आ गया 37.8 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में आ गए। तो ये स्टूडेंट्स चार कन्वर्जनस हैं, चारों के फार्मूलाज आपने याद रख लेने हैं। जैसे ही चारों के फार्मूलाज आपको याद हो जाएंगे, चारों कन्वर्जनस आपको आ जाएंगे और चार शार्ट क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। फार्मूला ज़रूर याद रखने, मेन दो फार्मूलाज हैं तो उसी दोनों से ही अगले दो बन गए हुए हैं, अच्छी तरह याद रखने हैं फार्मूलाज। ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये भी बहुत अहम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्लाह हाफिज़।